लेबर ऑफ मिल्लत नगर फाउंडेशन द्वारा विधायक महेश चौगले का किया गया स्वागत सम्मान। विशेष तौर पर आपको बता दें कि विधायक महेश चौगले द्वारा 60 लाख रुपए की निधि मिल्लत नगर के इलाके में नाना नानी पार्क के लिए मंजूर की गई थी। इसके बाद आपको बता दें कि लेबर ऑफ मिल्लत नगर के सभी सदस्यों ने अपने हाथों से देख सकते हैं कि भूमि पूजन किया, दुआएं मांगी। उसके बाद विधायक महेश चौगले के जनसंपर्क कार्यालय पहुंचकर महेश चौगले के स्वागत सम्मान के लिए वहां पर सभी लोग उपस्थित थे। खास तौर पर इस स्वागत सत्कार के नियोजन जो थे मिल्लत नगर स्थानिक जो पूर्व नगर सेवक पूर्व महापौर इमरान अली मोहम्मद खान, इनके नेतृत्व में लेबर ऑफ मिल्लत नगर फाउंडेशन के सभी सदस्य विधायक महेश चौगले के जनसंपर्क कार्यालय पहुंचकर उनका स्वागत सम्मान करते हुए दिखाई दिए। ऐसे में आपको बता दें कि इमरान अली मोहम्मद खान ने मिल्लत नगर व आसपास के इलाकों को पूरी तरह से जो पानी उपलब्ध नहीं है, पीने की पानी की तकलीफें हैं, पीने की पानी की तकलीफें दूर की जाए, इस तरह की विधायक महेश चौगले के सामने बातें रखी। आरसीसी रोड की जो है वहाँ पर बात रखते हुए दिखाई दिए। विधायक महेश चौगले ने विशेष तौर पर लेबर ऑफ मिल्लत नगर फाउंडेशन के सभी सदस्यों को आश्वासित किया है कि उनकी जो भी समस्या है वो जल्द से जल्द दूर कर दी जाएगी। से करे पिकअप घर पे करे ड्रॉप 48 घंटे में करे डिलीवर एकदम टिप टॉप ड्राई क्लीन लॉन्ड्री सब हो जाएगा हमारा ईवी आएगा आपका ऑर्डर उठाए क्वालिटी की चिंता नहीं करने का लाला एकदम प्रीमियम फीलिंग दिलाएगा दम 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 इसमें दम में छूटे दम 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 भी हिसाब से है लेते मशीनरी इंपोर्टेड और केमिकल्स यूज बेस्ट करे करे कपड़े लो फोल्डेड या ऑन हैंगर प्रीमियम पैकिंग रखे कपड़े आउट ऑफ डेंजर कर्टन हो सोफा हो या हो शूज करते हम डीप क्लीन नो इशू सरन आउट अब घर बैठे बैठे बेस्ट एंड प्रीमियम लॉन्ड्री सर्विस को करो इन और बाकी सबको करो आउट क्योंकि आ गया है ज़ायरन आउट। अभी आप लोग विधायक हमारे यहाँ पर एक गार्डन था जिसमें 2 करोड़ रुपए सेंचर हो गए थे, उसका वर्क ऑर्डर आ गया था, किसी वजह से वो पैसा वापस चला गया, हम बहुत दुखी थे। ऐसे दुखी के समय में हम यहाँ पर साहब के पास आए, एमएलए साहब के पास, हमने बताया कि हमारी एक जगह और रिजर्व है, वहां पर हम गार्डन बनाना चाहते हैं। तो महेश साहब ने 101.80 करोड़ रुपए का फंड देने का वादा किया, जिसमें से 60 लाख रुपए की अमाउंट ऑलरेडी कॉर्पोरेशन को पहुंच चुकी है। टेंडर कॉल किया गया, टेंडर पास हो गया और वर्क ऑर्डर निकल चुका। आज हमने वहां पर इनॉग्रेशन करके महेश साहब हमारे जो एमएलए हमारे क्षेत्र के उनका इस्तेमाल करने के लिए, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए हमारे नेबर्स ऑफ मिल्लत नगर फाउंडेशन और हमारे इमरान वली अहमद साहब, डॉक्टर निसार साहब, ये हमारे सब लोग आए यहाँ पर ताकि इनका शुक्रिया अदा कर सके कि ऐसा व्यक्ति जो अपने शहर का एमएलए है, उनको लगा कि हमारे दुख है, उस दुख को दूर करने के लिए उन्होंने अपने फंड से हमें जो सहायता दी तो हमको ये अच्छा लगा और हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं और फ्यूचर में भी इसी तरह से ये काम करेंगे ऐसी अपेक्षा करते हैं। और ना वो अपने घर से शुरू करोगे खुद से कि घर पे हमारा घर साफ सुथरा अच्छे से रहना चाहिए, जब घर अच्छा रहेगा तो हम मोहल्ले के लिए कोशिश करेंगे और इसलिए हमने मोहल्ला एक आइडियल बना के रखा है। हम चाहते हैं कि वैसी जिस तरीके से हम लोगों ने मिलजुल के सब किया है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट सबकी सहायता से, सबकी मदद से हम लोग एक आइडियल मिल्लत नगर बनाया। हम लोग आपसे चाहेंगे कि आप आके देखिए किस तरह से और उसको किस तरह से अमली शक्ल दिया, इम्प्लीमेंट किस तरह से किया, प्रैक्टिकल किस तरह से किया, वो सिस्टम भी अगर सब लोग अपनाएंगे ना तो इंशाल्लाह ये हमारा मोहल्ला न सिर्फ हमारा भिवंडी एक्चुअली सुधार होगा। एक काम हमारा जो सबसे बड़ा पेंडिंग रह गया है, जैसा पूरे शहर में 52 रोड था उसमें हमने मिल्लत नगर रोड, अमीनाबाग, बारकिया कंपाउंड, पूरे मेरे वार्ड का रोड आंदर साहब के बाद हमने पहले भी लेटर दिया है, मंजूरी हो चुकी है, सिर्फ टेंडर प्रोसेस किसी वजह से रुका हुआ था। जनवरी के फरवरी में आंदर साहब ने वो गवर्नमेंट को अप्लाई किए है कि भाई ये रोड भी जो है सीसी रोड में ले लिया जाए, तो बहुत सी जल्दी हमारे पूरे मिल्लत नगर में इंशाल्लाह आंदर साहब की कोशिश भी रहेगी। इन्होंने तो लेटर दिया है, फॉलोअप भी कर रहे हैं, ठीक है, अभी वक्त तो बहुत कम है, 2 महीना बचा है, लेकिन आगे जब भी मौका मिलेगा इंशाल्लाह मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारा काम पेंडिंग है एक सीसी रोड का, क्योंकि कॉर्पोरेशन की खुद की ताकत नहीं कि सीसी रोड करे, सब फंड जो है वो एमएलए के थ्रू ही आता है। जो हमारा काम था हमने हमारे लेवल पे किया है, अब आगे काम जो आमदार साहब के लेवल का है, उन्होंने हमको मदद किया है, जब मैंने उनसे फंड मांगा उन्होंने फंड दिया हमको, क्योंकि ये जो बड़ा फंड है गवर्नमेंट चलाने का, आमदार साहब से गुजारिश है सभी की तरफ से, हमारे खासतौर से पूरे वार्ड की तरफ से आपसे गुजारिश है जो हमारा आरसीसी रोड का वो काम पूरा कर दिए, और थोड़ा सा एक पानी का हमारे इधर इशू है, एक रिवेरा बांध में और कुछ जगह
उसके लिए भी आप थोड़ा सी हमारे लिए कर दीजिए। तीन साल से हमारे यहाँ कॉर्पोरेशन नहीं है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आपके पास भी आए थे लोग, फिर आए हैं। रिवेरा पाम में एक बहुत बड़ा पानी का इश्यू है, थोड़ा सा वो हो जाएगा तो तकलीफ हमारी दूर हो जाएगी। आज आपका सम्मान जो है मुजफ्फर नगर के जो रहवासी लोग हैं उन्होंने किया, क्या कहना चाहिए उसके बारे में? एक अच्छा लगता है कि ऐसा लगता है कि कुछ काम किए तो लोग आते हैं और सम्मान करते हैं, क्योंकि मेरे को चुना के उसके लिए दिया गया लोगों का काम करने के लिए, तो मेरे से एक काम अच्छा हो रहा है। अभी एक उनका पहली बात है जो इधर पानी की तकलीफ है, उधर पानी की तकलीफ है और पानी छोड़ना और ये करना काम है महापालिका का है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है अपन आयुक्त से बात कर सकते हैं। अगर उधर पाइपलाइन का कुछ मसला है, इनके पास पैसा नहीं तो मैं इनको पाइपलाइन के लिए कुछ, पाइपलाइन का इशू नहीं, सब खाली पानी नहीं आ रहा, पाइपलाइन है तो अपन आयुक्त से बात कर सकते हैं, नहीं तो वो पाइपलाइन के लिए भी आपको पैसा लगेगा कि उधर खराब हुई है क्या है, तो अपन वो भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो आयुक्त से बात कर रहे हैं। आज भिवंडी में हर जगह, और पहले कभी सीमेंट के रोड इतने नहीं थे या कुछ नहीं थे, तभी हर जगह अभी सीमेंट के रोड का काम होगा। इमरान भाई के वार्ड में भी आज अभी अपन वो पूरा 18 करोड़ का मिल्लत नगर में पूरा रही है, इसको मेट्रो के इधर काम कर रहे हैं पूरे सीमेंट का, माड़ा की तरफ, माड़ा की तरफ क्या, उधर का भी एक जन आज धोबी तालाब पे किधर काम चालू है, एक डांगिया हॉस्पिटल से लेकर दरगाह रोड तक एक काम चालू है, ये 8-10 कोटि के काम चालू है, यानी एक बार काम हो जाएंगे ना, एक 10-20 साल ये भिवंडी के अपन सोचते हैं कि अच्छी बने, वो भिवंडी एक अच्छी बनेगी, क्योंकि हम अभी मेरे आने के बाद तो मैंने 3 ब्रिज बनाया, आपके इधर का भी ब्रिज बनाया, खोनी का बनाया गाड़ी का, अभी 2 ब्रिज और पास किए हैं, वो भी यानी 1-15 दिन में काम भी शुरू होगा, उसका टेंडर हुआ है, सब हो गया, तो भी यानी जावेद दलवी से लेके खाड़ी पर इधर से एक और ब्रिज बना रहे हैं अपन, एक है डायरेक्ट काटाई से लेके कारोली तक, यानी उधर की पब्लिक उधर से ही चली जाए, क्या वो अंजूर फाटा वो साइड चली जाए, तो एक अच्छा काम हो रहा है। और रोड का भी है जो अभी खड्डे के बारे में बोलता है, एक खड्डा बुझाना भी आज भी महापालिका का काम है, अपन आयुक्तों को बार बार करते हैं लेकिन वो खड्डा भी बुझाते हैं तो 2 दिन में वो बह जाता है कि बारिश ही नहीं, और ये काम अभी तक काम इधर धामन नके का चालू है, वो तो अभी तक रईस स्कूल तक गया ही नहीं, टिकट तक पार खराब जाने टिकट, हाँ वही बात है ना, वो अभी तक गया ही नहीं क्योंकि मेट्रो वाले ने नहीं खोदा है, ये पाइपलाइन के वजह से खुद के उसने हुआ है, तो इसको खड्डा बनना ये महापालिका ने करना चाहिए, कल आयुक्त ने थोड़ा बहुत किया है क्योंकि लोग निकले, और मैं बोलता जैसी बारिश कम हो जाएगी मैं उसका रोड चालू कर, फिर खड्डा खोदना चालू करेंगे, फिर वैसी ट्रैफिक हो जाएगी, ये हो रहा है थोड़ी इतनी बारिश में, इसके लिए मैं ये 2-4 दिन में ही वो रोड का फिर काम फिर चालू करूंगा, क्योंकि बारिश अभी कम हो रही है और सब जगह काम चालू है, थोड़ा अपने भिवंडी वासियों ने थोड़ी सब्र करना चाहिए, ये बारिश में तुमको तकलीफ है हर जगह, मेरे को बोलता है एक बोलता है 10-20% छोड़ने के बाद बाकी जो बाजार बत्ती बाजार पेट हुआ 3 बत्ती हुआ सब जगह के सीमेंट के रोड पास हुए, और ऐसा भी नहीं कि मैं बात कर रहा हूँ, उसके टेंडर हुए, काम भी कभी भी शुरुआत कर सकते, तो ये काम है और अच्छा काम भिवंडी में हो रहा है, और ऐसे लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मैं और अच्छा काम करने की कोशिश करूंगा, और मेरे को भी और जरा उसकी ऊर्जा मिलेगी, ताकत मिलेगी, क्योंकि सही में जो काम करता है उसकी तारीफ होनी चाहिए और जो नहीं काम करता उसको जनता सबक सिखाएगी, इतना ही मैं बोलता हूँ।